सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर बहुत अच्छे यहाँ पर साइंस आपके अवेलेबल हैं, जो आपके फुली लग्जरियस लाइफ को और आपकी जो क्वेरीज थी कि नियर फ्यूचर में कोई बिग हाउस ले पाएंगे या नहीं, लग्जरी कार होगी या नहीं, इवन ऑन एक और क्वेरी यहाँ आपका था कि डेथ पहले आपकी होगी या स्पाउस की, या किस प्रकार से नेचर उनका सपोर्ट मिलेगा नहीं या नहीं सन्स का या स्पाउस का। तो ये जब ऐसी कोई भी प्रश्न निकलता है तो सबसे पहले दो जगह नज़र देखना चाहिए, दो जगह ध्यान से नोटिस करना चाहिए। पहला तो फेट लाइन हुआ ही, दूसरा आपका लाइफ लाइन के एंड पॉइंट। अभी जैसे आपकी 65 प्लस एज डिनोट यहाँ पर हो रहा है, तो अभी पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपका यहाँ पर चल रहा है, करेक्ट, ये जो टाइम पीरियड है ये 65 का ही है। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रख लीजिए कि ये जो एज है इसका निर्धारण कोई भी पामिस्ट या एस्ट्रोलॉजर आपका कर ही नहीं सकता है, चाह करके भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन तब भी जो इंडिकेशंस दिख रहे हैं उसी के बिहाफ पे यहाँ पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। बट ये एज का जो भी है कन्फर्मेशन ये प्रॉपरली होता नहीं है, सिर्फ ये अप्रोक्स एज यहाँ पर दिखाया जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि 67 के अप्रोक्स के बाद से आपकी लाइफ लाइन में डिवाइडेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। डिवाइडेशन होना बेसिकली बहुत शुभ माना जाता है, हालांकि ये व्यक्ति को थोड़ा सा भागा दौड़ी ज़्यादा करवा देता है, जैसे कि ट्रैवलिंग हुआ, छोटी मोटी यात्राएं हुई, बिजनेस डील्स हुए, या फिर एक प्रकार से जैसे लग्जरीज कार का या आप जो अपने घर बार की बात कर रहे हैं, तो ये सारे योग मिलने के योग भी आपके हाथ में अच्छे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि ये रेखाएं आगे की ओर बढ़ी हैं और फिर इनमें से जो है सारी की सारी रेखाएं एक ही बार में रुकी हैं। देन आफ्टर एक और सपोर्टिव लाइन यहाँ पर आपके कंजंक्ट होकर के फिर आगे की ओर बढ़ रही हो, जो कि आपकी उम्र को बढ़ा रहा है। नॉर्मली यहाँ पर एज देखा जाए तो मणिबंध के जस्ट ऊपर तक अगर एज आ जाता है तो ये अप्रोक्सीमेटली 90 के एज तक व्यक्ति को लेकर के जाता है, 87 से लेकर के 90 का एज है। लेकिन उम्र तकरीबन यहाँ पर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 74 के लमसम में आपका एक प्रकार से हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ये बात आपको कही जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो एकदम से जो रेखा रुकी है तो उसके रिगार्डिंग ये कहा जा रहा है, बट कोई बहुत मेजर इशू शो नहीं हो रहा है क्योंकि सपोर्टिव लाइन निरंतर चल रही है। तो ये आपके स्पाउस की ही लाइन है ये सपोर्टिव लाइन, और जो आपके सन है उसकी अगर हम बात करें तो वो अभी सैटर्न से पता चलेगा, बाकी ये आपके स्पाउस तो रहेंगे, आपके डेथ के बाद ही उनका कहीं ना कहीं डेथ होने के चांसेस यहाँ पर हैं। बाकी कब किस प्रकार से होगा, कितना गैप रहेगा, ये यहाँ पर पता नहीं लगाया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पर करें तो ओल्ड एज आपकी कंपेरेटिवली बहुत स्मूथ रहेगी। आप अपने पूरे के पूरे लाइफ लाइन में देखिए, पूरी की पूरी लाइफ लाइन गाढ़ी और थोड़ी सी फेल करके एट द एंड ऑफ द टाइम, यानी अराउंड यहाँ पर 49 के एज से लेकर के अभी तक 65 के एज तक बहुत गाढ़ी यहाँ पर चल रही है। तो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में हुआ है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से रिस्क भी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने लिया, और इवन ऑन ग्रोथ भी आपका बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि प्रोग्रेस लाइंस भी अवेलेबल है। बट यस, 67 के एज के बाद में पूरी स्मूथ लाइफ हो जाने वाली रहेगी, आरामदायक जीवन रहेगा, और जितने भी ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन पेंडिंग है वो सब कंप्लीट होंगे। बेसिकली जब लाइफ लाइन स्मूथ होने लगती है तो ये कंफर्टेबल लाइफ को फिर इंडिकेट करता है, तो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने होते, ऑटोमेटिकली अधिकतर काम बन जाता है। दूसरी बात करें यहाँ पर आपके फेट लाइन की, तो देखिए यहाँ पर आपकी फेट लाइन जो है कंटिन्यू चल भी रही है और गुरु से भी ये यहाँ पर कनेक्टेड हो गई है, तो इस कारण स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आपके जाने के चांसेस भी यहाँ पर ब्राइट हैं। और यहाँ पर भी देखा जाए तो ये डायरेक्टली आपकी उम्र को भी यहाँ पर बढ़ा दिया, क्योंकि एंड टू एंड यहाँ पर लाइन आपकी जा रही है, तो इस कारण से उम्र यहाँ बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और ये जो एक रेखा आ रही है गुरु की तरफ से, इसे गुरु वाले बेसिकली कहा जाता है, लेकिन इस प्रकार की जब रेखा हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा संस्कारी होते हैं, या एक प्रकार से जब अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो सपोर्ट बहुत अच्छा देते हैं लाइफ में, तो इसलिए बच्चों का भी सपोर्ट अच्छा है, ऊपर से वाइफ का भी सपोर्ट यहाँ पर अच्छा है, तो ऐसी डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ की यहाँ बात किया जाए तो मल्टीपल्स लाइन अभी यहाँ पर निकल रही है आपकी अभी भी, तो इस कारण से नियर फ्यूचर यानी अराउंड 67 के एज तक घर लेने के चांसेस भी, लग्जरीज कार लेने के चांसेस भी, और इसके अलावा भी जो ड्रीम डिज़ायर है वो भी पूरे होने के चांसेस, और राजनीति से कनेक्शन होने के चांसेस भी इवन बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, क्योंकि यहाँ से जो रेखा निकल के गुरु की तरफ देख रही है तो गुरु व्यक्ति को हाई पोस्ट अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम सौंपता ही है, तो इसीलिए राजनीति में जाने के चांसेस भी आपके हाथ में कंपेरेटिवली बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा भी दो जो मेन आपकी क्वेरीज थी, एक तो मून लक लाइन के बारे में कि मून से जो ये लाइन निकल रही है ये क्या है, तो देखिए मून जो है यहाँ पर पब्लिक को इंडिकेट करता है, पब्लिक हुआ, मदर हुए,
आपके स्पाउस हुए, बाहरी दुनिया बाहरी लोग में जितने लोग आते हैं और जितने काम आते हैं वो हुए, प्लस आपका मन। जब यहाँ से फील्ड लाइन निकलता है तो आप जैसे जातक सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ मन की, क्योंकि मन का ही करके सेटिस्फेक्शन लक सारी चीज़ें यहीं से जनरेट हो रही मन से, तो इसलिए मन का ही करके आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात यह है, मदर सपोर्ट लाइफ में बहुत अच्छा आपको मिला है, आफ्टर मैरिज भी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, बर्थ प्लेस से दूर जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेटलमेंट होता है, घर बसने के योग भी बर्थ प्लेस से दूर बहुत अच्छे रहते हैं। जितना ज़्यादा प्रेम दुलार घर वालों से ना मिले उतना तो स्नेह प्यार बाहरी दुनिया लोगों से मिल जाता है जिसके हाथ में मून लक लाइन हो। तो नॉर्मली इस प्रकार की जब लक लाइन होती है तो ये कंफर्टेबल लाइफ को देती है, और जो एक और लाइन निकली है ये फॉरेन ट्रेवलिंग्स को ही ज़्यादा इंडिकेट यहाँ पर करती है। हालांकि ये रेखा थोड़ी नेगेटिव कन्वर्ट हो गई है, यानी क्रॉस का साइन बन गया है, तो इस कारण से ये नेगेटिव थॉट्स को भी इंडिकेट करता है, बेचैनी महसूस होती है, नींद में थोड़ा सा कमी भी देखने को मिलता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो सेपरेटली मून लक लाइन बहुत स्ट्रांग है। बीच में ये टूट गया है, अदरवाइज ये कंटिन्यू चलते रहता तो अभी तक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही प्रचलित या प्रसिद्ध आप अपने जीवन में हो गए होते। दूसरी बात यहाँ पर आपके स्क्वायर की है कि शुक्र पर स्क्वायर होता है तो क्या होता है। देखिए शुक्र पर स्क्वायर दो कंडीशन में जो है बेनिफिट देता है, एक तो आपके हाथ में जैसा स्क्वायर क्लियर कट बना है वैसा, और कुछ जो आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा इस प्रकार से जो स्क्वायर बनता है ये नेगेटिव होता है। इस प्रकार का स्क्वायर का साइन अननेसेसरी रिलेशनशिप और अफेयर के द्वारा प्रॉब्लम देता है, और जो इस प्रकार का स्क्वायर है ये फुल्ली लग्जरियस लाइफ, रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा रहन सहन खान पान देता है, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख है ये शुक्र आपको देगा। और वैसे भी जिस भी माउंट के ऊपर स्क्वायर का साइन हो गया उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, तो जो आप ज्वेलरी का काम कर रहे हैं इसी स्क्वायर के साइन के बदौलत कर पा रहे हैं, क्योंकि शुक्र सीधे के सीधे फैशन, ज्वेलरी, लग्जरीज, इन सारी चीज़ों को डिनोट करता है। तो जब स्क्वायर का साइन हो तो ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है कि ज्वेलरी का काम चाहे जितना भी कुछ जीवन में हो जाए ये कभी हाथ से जाएगा ही नहीं, जितना भी कुछ हो जाए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका नीचे गिरेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी रॉयल्टी और खासकर लग्जरीज ये लाइफ में कभी कम होने वाला ही नहीं है, इस प्रकार की गारंटी ये शुक्र माउंट आपको यहाँ दे रहा है, तो इसीलिए ये साइन बहुत बेस्ट है। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण जैसे ही दिलो दिमाग में कोई भी आपके बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना ये बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फिंगर के बीच में जो गैप्स भी मेंटेन हो रहे हैं ये इंडिपेंडेंट नेचर को बताता है, साथ ही साथ अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण आपका यहाँ कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण क्विक डिसीजन लेना, क्विक अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर देना, और जैसे थोड़ा जो कम्युनिकेशन स्किल होता है जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट से महसूस करना, या थोड़ा टाल मटोल की यानी लेट जो है काम बनते हुए देखने को मिलता है। जब इस प्रकार से शॉर्ट थंब के अलावा यहाँ पर लिटिल फिंगर भी हो जाती है, आपका थंब भी शॉर्ट है उस पर भी अभी आएंगे, तो ये एक प्रकार से बताता है कि जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तब आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने लगेंगे, और जब तक प्रेशर बिल्ड नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं एक प्रकार से धीरे धीरे लेट जो है आपके काम बनते हुए रहेंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातक जीवन में कभी एक प्रकार से आराम करते ही नहीं है, कुछ ना कुछ वर्क करते रहना, अपने आप को बिजी रखे रहना, ये बेसिक नेचर में होता ही है। आप जो गुरु है वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा, जिसके कारण किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, और जो सूर्य की फिंगर है वो आपको रिस्क टेकर बनाएगी, इतना ज़्यादा हिम्मत ही सूर्य फिंगर दे देती है व्यक्ति को कि हमेशा ऐसा जातक कुछ ना कुछ नया करता हुआ देखने को मिलेगा। शांति से बैठ ही नहीं सकते ऐसे लोग जिनके हाथ में इस प्रकार की योग है, इसीलिए ओल्ड एज में आने के बाद भी कंटिन्यू एफर्ट्स या एक प्रकार से कर्म जो है करते रहते हैं, कर्म पर बहुत ज़्यादा बिलीव होता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर भी आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। और यहाँ पर जो आपके फिंगर है उसके ऊपर जो नोट्स वो देख पाएंगे तो एकदम क्लियर कट है, जो कि स्पष्टवादी किस्म के नेचर को बताता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना ज़्यादा पसंद करेंगे। लिटिल फिंगर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो ये भी बताता है कि एक प्रकार से आप को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कौन व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोलना है, आपको करना अपने मन का ही है। थर्ड फिंगर का झुकाव सेकंड फिंगर की तरफ है, फर्स्ट फिंगर का झुकाव भी सेकंड फिंगर की तरफ है, ये थोड़ी वैराग्य की भावना को भी उत्पन्न करता है, जिसके कारण भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय स्वभाव होना, और एक प्रकार से खुद को ज़्यादा समय देना, रहस्यमयी विद्याओं की तरफ रुचि बढ़ना, और जो गुरु की माफ़ करें सूर्य की फिंगर जो टिल्टेड है ये आपको कला प्रेमी बनाएगी, तो कला साहित्य इन सारी चीज़ों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। थंब का साइज जब शॉर्ट होता है तो ऐसा जातक टू द पॉइंट बात करना या सुनने
वाले ही देखने को मिलते हैं। ज़्यादा लॉजिक लगाना या ज़्यादा हर बात के जड़ तक जाना, ऐसा कोई पर्टिकुलर नेचर नहीं होता है। जितना काम की बात है उतना ही करेंगे। हाँ, रिसर्च जो नेचर है वो एक प्रकार से ये इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में हर एक क्षेत्र में हाथ आजमाएगा, ये रिसर्च इंडिकेट करता है। लेकिन जब फिंगर के अलावा थंब भी शॉर्ट हो जाए तो ऐसा जाता कहीं ना कहीं बहुत जल्दी कोई भी बात को भूल जाने में भी सक्षम रहते हैं। जब बेफिजूल की बातें होती हैं उस पर ध्यान कम रहता है। और देखेंगे तो यहाँ मांसल भी कुल मिलाकर के आपका नॉर्मल है यहाँ पे, तो एक प्रकार से ये तब भी अभी भी मांसल इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है थंब के जॉइंट पे, जो कि हठी किस्म के वहीं ज़िद्दीपन के स्वभाव को भी यहाँ व्यक्त कर रहा है। वहीं पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपके स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार के एफर्ट्स या मेहनत से अगेन पीछे नहीं हटेंगे। और अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ डेवलप्ड आपका ठीक है, और गुरु के क्षेत्र पर स्क्वायर के साइंस भी अवेलेबल हैं यहाँ देख पाएंगे आप, और इसके अलावा भी छोटे से क्रॉसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जब इस प्रकार की साइन होती है तो गुरु का सर्वाधिक लाभ मिलता है। गुरु कारक है ज्ञान का, तो ज्ञान अच्छा रहेगा, जितना भी ज्ञान रहेगा उसका प्रॉपर सदुपयोग कर पाएंगे आप। दूसरी बात, ये कारक है मैरिड लाइफ का, तो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग इतना ज़्यादा मेन इशू या ट्रबल देखने को नहीं मिलता है। और ओवरऑल सुख सुविधा, संपत्ति और ख़ासकर पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का कारक है यहाँ पर गुरु। ये सारी की सारी चीज़ें समाज आपको भरपूर जो है देने वाला रहेगा ये, और ये अपने लाइफ में अच्छे से गेन भी कर पाएंगे। तो इसलिए गुरु माउंट बिल्कुल पॉजिटिव रिएक्ट करा, और ऊपर से आपका एम्बिशियस नेचर भी है यहाँ पे, जो कि एक प्रकार से बहुत हाई थिंकिंग और अप्रोच को भी यहाँ पर बेसिकली इंडिकेट करता है। और आप जैसे जातक कभी भी जीवन में जो भी डिसाइड कर लिया है एम्बिशन ड्रीम डिज़ायर के अंतर्गत, उससे पीछे हट ही नहीं सकते। मतलब जो सोच ले वो चीज़ हासिल करके ही दिखाना है। यही रीज़न है कि इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, क्योंकि ऐसे जातक जीवन में निरंतर ग्रोथ करते रहते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ, रॉयल्टी हुआ, वो निरंतर बढ़ते रहेगा क्योंकि निरंतर एफर्ट्स डालते रहते हैं। तो यहाँ पर एक तो जो ऑफशूट निकला हुआ है वो उम्र तकरीबन 12 की उम्र में निकला हुआ है, फिर लाइफ लाइन में चेंजेस हुआ है करेक्ट 17 और 18 के एज में, फिर एक जो मेन ऑफशूट निकला वो करेक्ट 24 के एज में निकला हुआ है, 23 और 4 में, तब से जाके बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। जितनी भी मल्टीपल्स आपको आड़ी रेखा देखने को मिलेगा, ये सब के सब आपको धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि दिलवाएगा। तो जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान भी बढ़ेगा। सेटर्न माउंट आपका डेवलप ठीक है, तो मेहनत में कोई ऐसी बेसिक कमी होती नहीं है। मल्टीपल्स लाइन मल्टीटास्किंग नेचर को बताता है, ध्यान बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में लगा हुआ रहता है। और उम्र तकरीबन करेक्ट उम्र आपका जो है यहाँ पर 32 से लेकर के 35 के बीच में प्रोफेशनल और करियर लाइफ में चेंजेस आया है, और उसी टाइम पे पर्टिकुलर आपके लॉस भी आपने गेन बहुत बड़ा किया है। और उसके बाद जाकर के अप्रोक्सीमेटली 36 के बाद में आपका फेड लाइन फिर इम्प्रूव हुआ है, और फिर उसके बाद से कंफर्टेबल इनकम लाइफ में जनरेट होना स्टार्ट हुआ है। वहीं बात करें जब कोई फेड लाइन सेटन तक पहुँचती है तो ये पूरा सेटिस्फेक्शन लाइफ में देता है, उसमें कोई कमी नहीं है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य का क्षेत्र भी यहाँ पर विकसित ठीक है, जिसके कारण आत्मविश्वास आपके अंदर अच्छा देखने को मिलेगा। और जो सन लाइन है वो कुल मिलाकर के यहाँ पर स्टार्ट हो गई आपके अराउंड 33 के एज से ही, तो लाइफ में जो भी नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, रिस्पेक्ट, जितना भी नाम ख्याति बढ़ना शुरू हुआ है, सब के सब 33 के एज से ही स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखेंगे तो आगे जाकर के ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है, जो अच्छे खासे प्रॉपर्टी जनरेट करने के योगों को दर्शाता है। बेसिकली आपके हाथ में फिश सिंबल की आकृति बन गई है। वैसे भी बुध और सूर्य के बीच में इसे बुधादित्य योग कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने फील्ड में बहुत ऊंचे लेवल तक पहुँच पाते हैं, और बेसिकली मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को ये इंडिकेट करता है। इस प्रकार के साइन को यशस्वी योग कहा जाता है। यशस्वी योग का मतलब ये होता है कि ऐसा जातक अपने जीवन में फुली सेटिस्फाइड, फुली सक्सेसफुल, फुली सक्सेसफुल मतलब नेम, फेम, रिस्पेक्ट प्लस मनी प्लस प्रॉपर्टी और पावर अथॉरिटी भी हाथ में देखने को मिलता है, जो राजनीति के द्वारा कहीं ना कहीं आपको मिलने के योग भी हैं। तो इसीलिए ये साइन बहुत बेस्ट हुआ है। लेकिन ध्यान रखें, जिसके हाथ में भी सन लाइन है या सन माउंट पे ऐसा साइन है, ऐसे लोगों की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। जो भी व्यूअर्स हैं वो ये देख रहे हो तो वो सोचेंगे कि उनके हाथ में ये चीज़ें हैं और इतना ज़्यादा टफनेस लाइफ में क्यों है, तो इसी कारण से, क्योंकि सूर्य जब इतने अच्छे रिस्पॉन्स दे रहा होता है तो लाइफ में व्यक्ति को उस काबिल बनाने के लिए उतना एफर्ट्स, मेहनत करवाता ही है, इसीलिए लाइफ ईजी होती ही नहीं है। मर्करी माउंट यहाँ डेवलप ठीक है आपका, एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज आपको देगा, प्लस
यहाँ पर आपको बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक प्रकार से जो आपके लिटिल फिंगर के जो दोष दिख रहे थे वो धीरे धीरे इससे ख़त्म भी हो जाते हैं। किस व्यक्ति से कैसे बात करना, अपना काम निकलवाना, ये सारी कैपेबिलिटी आपके अंदर अच्छी रहेगी। मनी मैनेजमेंट कुल मिलाकर के ठीक रहता है, बट यस फिंगर के बीच में गैप भी है और मनी ट्रायंगल का फ्लो भी इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, तो पैसा रुक नहीं सकता है। बाकी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ रहेगा। और इस प्रकार का जब बुध माउंट डेवलप्ड हो तो वर्क मैनिपुलेशन, वर्क मैनेजमेंट, पंचुअलिटी, कन्वेंसिंग स्किल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्ट लाइफ में देखने को मिलती है। वहीं हृदय रेखा के अंत में देखेंगे तो गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इवन फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन एक प्रकार से ब्रेक हुई है यहाँ पर, जो कि उम्र तकरीबन 36 से 38 के मिड में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये लाइन कंटिन्यू चली है जो कि प्रैक्टिकल नेचर को दर्शाता है। फिर आगे एक सपोर्टिव लाइन गुरु और सैटर्न माउंट के बीच में भी जा रहा है, जो कि बताता है कि आप यहाँ पर स्पिरिचुअल जो है कनेक्टिविटी आपकी अच्छी रहेगी, रिलीजियस नेचर भी रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकल रिलीजियस नेचर रहेगा, मतलब एकदम अंधा भक्ति नहीं रहता। जितने प्रैक्टिकल यानी जो आज के टाइम में सद्गुरु हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, इन सब की मान्यताओं को मानने वाले आप यहाँ रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो बैलेंसिंग और प्रैक्टिकल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, इमोशंस फीलिंग्स है आपके अंदर, लेकिन कंट्रोल उसको कर पाने की क्षमता भी आपके अंदर अच्छी है। माइंड लाइन देखेंगे तो यहाँ इंडिपेंडेंट आपको दिख रहा है, लेकिन अगर एक चीज़ ध्यान देंगे आप तो यहाँ पर कुछ रेखाओं की जो कनेक्टिविटी है वो मंगल से भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी बहुत जल्दी आपके अंदर आ जाता है अगर आपके द्वारा या आपके अकॉर्डिंगली कोई आपका काम ना हो तो, क्योंकि मंगल की रेखा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन व्यक्ति को देती है। वहीं जल्दबाजी, हड़बड़ी नेचर होता ही है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, उसके अंदर चेंजेस को जो है अडॉप्ट करना, उन सारे योगों को दर्शाता है। और ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग भी इश्यूज़ को ये दर्शाता है। माइंड लाइन हालांकि एकदम स्ट्रेट है, नॉमिनल माइंड लाइन है, मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, तब भी नॉलेज जितना रहेगा अच्छा आपके अंदर देखने को मिलेगा, मीन्स यूटिलाइज उसका अच्छे से कर पाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल नेचर यहाँ पर है और एक प्रकार से मेमोरी भी आपकी शार्प देखने को मिलेगी। माइंड लाइन का स्ट्रेट होना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, क्योंकि ऐसे जातकों में मेंटली स्ट्रांग होने की कैपेबिलिटी अच्छी होती है। इसीलिए लाइफ में जितना भी स्ट्रेस बर्डन हो उसको एक्सेप्ट करने वाले या उसको झेलने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को भी मिलती है। वहीं यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन में जो मेजर चेंजेस है वो उम्र तकरीबन आपके अराउंड 30 के एज से ही देखने को मिल रहा है। जो ये माइनर से जो चेंजेस हुए हैं पहले, इसके अलावा जो ये ऑफशूट निकला है उसके बाद से लाइफ में बहुत ट्रिमेंडस चेंजेस को ये इंडिकेट कर रहा है और बहुत अच्छी ग्रोथ आपने जो है स्टार्ट की है उसी के बाद से। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके एक और रेखा यहाँ से निकल के जो ये आपके हार्ट लाइन से मर्ज हो गया है, ये बेसिकली राहु से ही स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। अदर अनदर कोई लाइन होती तो उसका मीनिंग थोड़ा स्ट्रेस होता, लेकिन राहु की रेखा लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस दे देती है। और राहु की रेखा के द्वारा ही ट्रायंगल्स के जो ये फॉर्मेशन बने हैं, हालांकि ये देखने में आपको बिल्कुल क्रॉस लगेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट क्रॉस का होना और इस प्रकार के क्रॉस के होने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। यहाँ पर ये ट्रायंगल के अंतर्गत ही आएगा और मंगल के क्षेत्र में ट्रायंगल बन जाए, इट मीन्स मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनने की योगों को ये सबसे पहले दर्शाता है। और राहु की रेखा अचानक से धन लाभ देती है, अनएक्सपेक्टेड गेन देगा, जिससे आपको उम्मीद ही नहीं रहेगा उससे आपको लाभ दिला देगा ये, और लाइफ में दिलाए भी है इसने, तो इसीलिए इस साइन को बहुत अच्छा यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। फिर राहु की एक से दो और फिर यहाँ पर भी एक रेखा काट करके जा रही है, तो उम्र तकरीबन यहाँ देखेंगे तो 36 और 38 निकल के आएगा, फिर उम्र यहाँ पर 45 भी निकलेगा। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है, बट ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई सपोर्टिव लाइन इतनी ज़्यादा है नहीं। तो लाइफ में जो भी कुछ किए हैं खुद के दम पे किए हैं, पब्लिक सपोर्ट मिला है टेम्परेरी पीरियड के लिए, लेकिन सब अपने खुद के एफर्ट्स मेहनत पे ही किए हैं। अंदरूनी मंगल से मल्टीपल्स लाइन आ रही है, तो वो थोड़ा सा मंगल के ऊपर काम करना रहेगा, एग्रेशन वगैरह इन सारी चीज़ों से कोसों दूर रहना पड़ेगा। बाकी बाहरी मंगल आपका डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। जब मंगल का क्षेत्र हाथ में डेवलप्ड हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही हेल्पिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के पाए जाते हैं, कभी भी किसी की मदद के लिए पीछे नहीं हटेंगे, आगे से रह करके मदद करके आएंगे। और शुक्र का क्षेत्र वैसे भी डेवलप्ड अच्छा है, एक सिंगल चीज़ की ऐसा शुक्र कमी नहीं होने देता है, जितनी सीधी खड़ी रेखा हो यहाँ पर उतना शुभ होता है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आती हैं और ग्रोथ अच्छा यहाँ देखने को मिलता है। और जितनी थोड़ी बहुत यहाँ आड़ी रेखा है ये फैमिली के रिगार्डिंग थोड़े से टेंशन को बताती है, बट कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। केतु माउंट की बात करें तो केतु माउंट इन फ्यूचर अगर यहाँ फिश सिंबल की आकृति क्रिएट होती है तो ये समझ लीजिएगा कि धार्मिक यात्राएं बहुत ज़्यादा होने लगेगी और लाइफ लाइन के स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी यहाँ से जो ये रेखा निकल रही है सबके सब ये मरकरी लाइन है, जो बिजनेस से लाभ और
एक प्रकार से हेल्थ में सुधार होने के योगों को दर्शाता है। बट यस, मनी ट्रायंगल प्योरली ओपन है, तो चाहे जितना पैसा हो हाथ में, सब के सब आसानी से फिसल जाने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो सन लाइन के द्वारा भी एक यहाँ पर रेक्टेंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, तो ये भी अच्छे खासे जो है पावर अथॉरिटी को इंडिकेट करता है, शासन से या सरकार से लाभ मिलता ही है, इसीलिए पॉलिटिक्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। और जो मेजर इन्वेस्टमेंट आपने अपने लाइफ में करना स्टार्ट किया है 43 से 51 के एज के बीच में ही किया है। इसके बाद बात करें आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो फेट लाइन है प्योरली वी सिंबल बनाते हुए आगे की ओर बढ़ी है और ये कंटिन्यूस यहाँ पर चलती जा रही है। हालांकि इसके बीच में एक आइलैंड का भी फॉर्मेशन यहाँ हल्का सा क्रिएट हुआ है, यहाँ देखेंगे तो बहुत माइनर सा है ये, लेकिन ओपन है ये, इसलिए इतने ज़्यादा डिमेरिट्स इसको नहीं कंसिडर करेंगे। बट यस, सीधे सेटन तक पहुँची है, तो जो भी ड्रीम रहेगा लाइफ में सब तकरीबन कम्प्लीट होने वाला रहेगा। और यहाँ पर आपके लेफ्ट पाम में तकरीबन फिश सिंबल की आकृति डेवलप्ड हो ही गई है, तो यहाँ पर जब इस प्रकार की आकृति होती है एक प्रकार से लाइफ लाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और उम्र भी अच्छा देखने को मिलता है, ओल्ड एज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बीतता है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।